टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो। उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, जी द कराची बॉयज। कैसे सब ठीक ठाक? ये क्राउड में कमी क्यों आ गई? क्राउड की तालियों में कंजूसी हो रही है दोस्तों, खुल के बजाइए, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे न्यू एडिशन जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जो कि हैं बहुत पुराने, द काशिफ भाई। काश भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काश भाई, ये जो आपने वैलेंटाइन की शर्ट आज पहन ली है इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छी लग रही है। आप कहीं से आ रहे हैं या कहीं जाना है आपने? नहीं नहीं, कहीं से आया हूँ। कहीं से आए हैं? ओके, तो उनको बता के आए कि आप उनकी शर्ट लेके आए साथ? जी जी बिल्कुल बता के आए, अभी वापस कर दूंगा जाके। वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? यार आप पहले ये कर लो फिर हम शो कर लेंगे। यार क्या मुझे लग रहा है, मैं आ जा बोले। सॉरी आदि भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बताए क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं मुझे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ नहीं चल रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी जगह पे काम कर रहा हूं। बेहतरीन, माशाल्लाह। आप तो छाए में, ये शो दूसरा शो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम कर रहे हैं, जिसको जिस तरह का काम मिल जाए वैसा। अच्छा, वीकेंड पे भी दिख रहे हैं आप? क्या कहते हैं, फ्राइडे को भी दिख रहे हैं, संडे को भी दिख रहे हैं, सैटरडे को भी दिख रहे हैं, पीएसएल में भी रोजाना दिख रहे हैं, माशाल्लाह। असल में होता ये है कि आप लोग सब एक्टर एक्टर लोग हैं, आप लोग ड्रामों में नजर आते हैं। आप क्या कारपेंटर हैं? नहीं मैं ड्रामों में नजर नहीं आता, इतना मुझे नहीं मिलता इतना एक्टिंग का काम। तो मैं फिर असल में आप आम जिंदगी में इतना सारा ड्रामा कर रहे हैं ना कि आपको ड्रामे में जगह ही नहीं मिल रही। देखो उसने तो कभी शिकायत नहीं की इस बात। उसने किसने? जिसके साथ कर रहा था। ओके, वो ड्रामा था। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। आज भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हमारी गेस्ट, मुझे पता क्या हुआ, शर्माए क्यों तुम? हमारी है तो फिर पता ही होगा। आज की जो हमारी गेस्ट है जी, बहुत ही कम हमारे ऐसे लोग हैं जो आते ही अपनी जगह बना लेते हैं, अपने आप को मनवा लेते हैं। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लातादाद दफा अपने टैलेंट को मनवाया है। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। अभी रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट बहुत हिट हुआ जिसमें इंशा के कैरेक्टर में इनको बेहद पसंद किया गया, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। उसके साथ 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 चौदह बिल्कुल। ओहो, वेल डन। उसके साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी है, जो कि हमारे यहाँ क्वालिटी जो बहुत कम देखने को मिलती है हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों में, बहुत अच्छा डांस करती है। उसके साथ साथ अट्ठाईस। उसके साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर भी है, गाना भी गाती है, और हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों ये इतने अच्छा गाती हैं, क्यों इतना अच्छा उसके डांस करती। उसके साथ साथ हो गए बहुत सारे। नहीं नहीं, 28 मेरे से, तुम्हारे 14 ही हुए। तो उसके साथ उसके साथ साथ मजे की बात ये है कि उनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, जो कि हमारे यहाँ कम है, जो कि एक और हमारे यहाँ कमी है, खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों के अंदर तो बहुत कम होता है, क्योंकि ये खूबसूरत भी है, ये भी एक बात है जो कि हमारे यहाँ कमी है। डम ब्लॉन्ड नहीं है, ये डम ब्लॉन्ड नहीं है जो कि हमारे यहाँ कमी है। स्मार्ट गर्ल है जो कि हमारे यहाँ कमी है। प्रीटी ब्यूटीफुल, प्रीटी ब्यूटीफुल भी है। आई लव यू टेडी बेयर। ये आदि भाई ने अपना मजमून शुरू कर दिया, इनको फौरन बुलाते हैं। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर फायर मेमो। आइए वेलकम टू द मजेदार शो भाई। बहुत सारी तालियां ब्लैक पैंथर के लिए। ब्लैक पैंथर कैसा? ब्लैक पैंथर, हाउ आर यू? एक सेकंड, आई एम गुड। काशिप भाई ने अजीब सा फील किया कि मेरे लिए तालियां बाद में क्यों बजी हैं? नहीं नहीं काशिप, आपके लिए नहीं थी। तुमने ब्लैक पैंथर बोला? नहीं नहीं, मैं तो ये देखा। अच्छा, मैंने यूं किया था, मेरे लिए तालियां। हाँ एग्जैक्टली। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लॉन्ग टाइम। वक्त वक्त की बात है। ओके, आज से कुछ साल पहले आप हमारे शो पे आई थी। हाँ,
और आज भी आप हमारे शो पे आई हैं, उस वक्त सुबह के 9 बजे थे, अब शाम के 7 बज रहे, वक्त वक्त की बात है। मुझे ये बताइए, हाँ, फरियाल महमूद ओके पहले दिन से धमाके कर रही है, हाँ, हमने फरियाल महमूद को डाउन नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा कम से कम, माशाल्लाह, ये कैसे हो रहा है? हाँ, डाउन क्या मतलब? इन सेंस, काम के हवाले से, जब भी किया है अच्छा काम किया है माशाल्लाह से, ये बाय चॉइस है, बाय लक है, या क्या सीन है, या क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो कोई नहीं है, हाँ, ये डेफिनेटली बाय चॉइस है। ओके, बहुत ज्यादा सोच के समझ के प्रोजेक्ट करती हूँ, क्योंकि चाहे स्क्रिप्ट चाहे अच्छा भी हो, फिर आगे चल के धोखा हो जाता है। ओके, तो मतलब धोखा स्क्रिप्ट ऐसा भी हो जाता है या प्रोडक्शन से? नहीं, ऐसा भी होता है कि आपको सुनाया कुछ और जाता है, एग्जीक्यूट और होता कुछ और होता है, 10 एपिसोड जाते हैं, 10 नहीं आते, उन 10 में कुछ और हो जाता है, या आप सेट पर जाते हैं तो आपका हीरो कोई और निकलता है, यू नो, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। तो आई थिंक शुरू से मैंने बहुत देख देख के बच बच के तमीज से काम किया, ज्यादातर स्टोरी पे ही मेरा फोकस रहता है कि स्टोरी अच्छी हो, बाकी सब हो ही जाएगा। अच्छा, लेकिन मैटर क्या करता है? कैरेक्टर तो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन क्या अगर स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर कोई बहुत अच्छा नहीं है या नोन नहीं है, यू विल स्टिल से यस टू इट? इफ ही इज नॉट नोन, हां, अगर काम जानते हैं तो क्यों नहीं करूंगी? But how would you grade that के मतलब ये काम? मैं उनका पहले काम देखूंगी, ठीक है, और फिर देखूंगी कि मेरा और उनका काम करने का तरीका अगर एक जैसा है और अगर हम लोगों की बनती है, हाँ, तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के साथ आपका एक अलग एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, और जहाँ रिलेशनशिप नहीं होता वहाँ आपका काम अच्छा नहीं होता, और वो नजर आ जाता है, मुझे वो नजर आता है। आजकल ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मेरी डायरेक्टर से नहीं बन रही या मेरी डायरेक्टर से कुछ है और मैं कैसे सीन परफॉर्म करूंगी, मैं कर ही नहीं सकती। बंदा जॉब कर ले, एग्जैक्टली, अगर कोई बैठ के जो बंदा बैठ के आपको मॉनिटर पे देख रहा है वही आपको पसंद नहीं करता, तो बात ही खत्म, वही खत्म हो गया सब। अब माशाल्लाह आप इतना काम करती है और माशाल्लाह आपको सब लोग जानते हैं, और बहुत आप प्रोजेक्ट 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 कितना अजीब सा लग रहा है ना, अभी करना पड़ेगा। नहीं, तो मेरा मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? नहीं, नहीं, देखिए ये हमारी दोस्ती अपनी जगह, हाँ, लेकिन लेकिन इज्जत तो है ना आपकी, आप फरियाल महमूद नाम तो है। आज मुझे आधी से इज्जत मिल रही है, सच में लगता है मैंने कोई झंडा गाड़ दिया है इस दुनिया में। आप लोगों ने जो कहा मैं कह रहा हूँ, तो बात ये माइलस्टोन माइलस्टोन अचीव, ये फरियाल महमूद एक बहुत एक ब्रांड हो गया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब क्या होता है जब फोन आता है कि फरियाल यूं यूं आप मेन पे हैं ये वो, लेकिन असल में इस बार जो है ना जरा बजट कम है, इसका क्या इलाज निकाला आपने? अब आई स्वेयर टू यू जितने भी अभी तक फोन आए हैं बजट तक बात ही नहीं गई। मुफ्त में काम कर रही है? नहीं, मैं पहले कहानी सुनती हूँ ना यार, ठीक है, कहानी सुनती हूँ या स्क्रिप्ट मांग लेती हूँ, हो गया एक दो एपिसोड, नहीं हो गया, नहीं समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, तो वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट करो कैरेक्टर भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्टर भी अच्छा है, पैसे कम है, हाँ, कोई बजट नहीं है, नहीं नहीं फिर मैं कर लूंगी यार। अच्छा, कर लेती हैं आप? हाँ यार, ठीक है, ये भी, इफ इट्स अ गुड स्टोरी, इफ इट्स अ गुड डायरेक्टर, Of course I'll do it. लेकिन हमारे यहाँ अभी कहते हैं कि जी बहुत सारा एक जैसा काम होने लग गया, हाँ, और अनफॉर्चुनेटली कह लें कि अगर एक चीज हिट हो जाए तो फिर उसी को लोग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंशा, मैं कहूंगा कि इंशा के हिट होने के बाद कितनी दफा ये ऑफर आई कि जी इंशा ही दोबारा कर दें, इंशा जैसा ही कुछ कर दें, या हमने इंशा ही लिखा है, आप बेफिक्र हो जाएं, बिकॉज अपनी तरफ से तो आदमी ने इंशा ही लिखा होगा। मैं सच सच बताऊं? जी प्लीज, सच सच ही बोलना है, इसलिए कर रहे हैं शो। मुझे अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर किसी ने लिखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। मुझे ज्यादातर लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंशा इस तरह ट्रांसलेट हुई है, एग्जैक्टली, कि ये नेगेटिव ही बहुत अच्छा कर लेगी, इसको बाहर से आया हुआ दिखाएंगे, ये कपड़े भी अच्छे पहन लेती है, बाल भी अच्छे बना लेती है, मेकअप भी अच्छा कर लेती है, और इंग्लिश भी अच्छी बोल, अरे यार मतलब, हाँ, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, अगर ऐसा आएगा तो मैं उस पर खुश होंगी, चलो कि कुछ तो अडेप्ट किया गया, कुछ हुआ, कोई कुछ तब्दीली आई, हाँ, किसी ने कुछ सीखा, तो तब्दीली, कुछ तब्दीली से एक और इज्जतदार सवाल आई विल आस्क यू, ओह गॉड, ओह लॉर्ड, इंग्लिश, एक्चुअली नॉर्मली आई एम एजुकेटेड, समटाइम्स इट्स नेवर हैपेंड, ओके, सवाल ये है कि आज से 4-4.5 साल बाद आप हमारे शो पे आई थी, पहले 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 आई थी, अब आप हमारे शो में आई, हाँ। इस पूरे वक्त में कैसा सफर रहा मीडिया इंडस्ट्री, हाँ। वाज इट अप अप ओनली, वाज इट डाउन डाउन डार्क, वाज इट अप डाउन, ऐसे कैसा था? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली नहीं, वो तो उसको पता होगा ना, आप हो उसके क्या, नहीं, मैं मुझ सब जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो किसी के लिए नहीं होता है,
अहमद अली शाह के लिए यार तुम लोग बातें कर लो, मुझे बुलाया है ना, आप आई हुई हैं? हां जी। अच्छा बोलूं मैं? जी जी बोलो जी प्लीज। फॉरेन चूड़ी हो गई, बोलूं? ऑब्वियसली चूड़ी होना पड़ेगा यार, बोलो। ये तो ऐसे होस्ट निकलेंगे तो चूड़ा होना पड़ जाता है इंसान को ना अपनी तरफ से। मैं इंशा बन के आई। अच्छा नहीं बताओ बताओ क्वेश्चन क्या था? मुझे पता था, मुझे पता था ये सारा फोकस लेके बोलेगी यार वो क्वेश्चन क्या था। सवाल ये था इस पूरे वक्त में कैसा सफर मीडिया का जर्नी कैसी रही। अच्छा तो मुझे अभी तक जितना याद पड़ रहा है, आई थिंक द लास्ट टाइम आई केम ऑन द शो वाज आई स्टिल फैट और नॉट? यू वर। आई वाज। थैंक यू फॉर टेलिंग मी आदि। आपने वो चेक कपड़े पहने हुए थे क्योंकि आपने नहीं, उसके बाद फिर से आई थी मैं। हां उसके बाद देखा तो मैं पहली बार की बात कर रहा हूं। अच्छा फर्स्ट टाइम। उस वक्त से बहुत डिफरेंट है अब लाइफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मुझे मेरी पसंद का काम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पतले होने के अलावा, अपने स्किल्स पे, अपने अपना मुंह बंद रखने पे, अपने गुस्से को कंट्रोल करने पे, पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप किया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक जा रहा था। जैसे ही कोविड शुरू हुआ है एकदम से मैंने इतना सारा काम किया, मैंने जितना कोविड में काम किया है ना, अच्छा, उतना किसी ने नहीं किया होगा कोविड। आई डिड 4 कमर्शियल्स इन 1 month, माशाल्लाह। आई वॉज डूइंग रकीब से, राइट बिफोर रकीब से आई डिड बेअदब। दिस वॉज ऑल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। I have no idea how I, like, it just happened, but during the pandemic, it was my time. It was my time. I was doing everything. जा जा के सबको कह दी, वैक्सीन नहीं लगाना यार, वैक्सीन ना लगाना। कहीं चला ना जाए। वैक्सीन ना वैक्सीन, मेरा तो काम चल रहा था यार। हाँ, मैं बहुत खुश थी, अच्छे से मैंने पैसे जमा किए, फिर मैं अमेरिका गई, वेकेशन की मैंने, मैं वापस आई हूँ। उस वक्त से जो है ना, मुझे रकीब से का जब से फीडबैक आना शुरू हुआ, तो कभी भी इस तरह लोगों ने आपको कभी अप्रोच करके नहीं कहा, देखें हम आपकी चॉइस पे अब ट्रस्ट करते हैं कि प्लीज अब कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे हमें हो कि ये इसने क्यों कर लिया। ठीक है, हालांकि मैं इस तरह सोचती नहीं थी, अब मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, वो ये कि ये मीडियम किसी एक आदमी का नहीं है। इफ यू टेक अप ऑन अ स्क्रिप्ट और वो बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका डायरेक्टर उसको वैसे ट्रांसलेट ना कर पाए, या आपका एडिटर वैसा ट्रांसलेट ना कर पाए, या आपके साथ जो को एक्टर्स हैं, तो इट कैन बी अ डाउनफॉल। तो ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है। कहीं आपको ये स्टार कास्ट, ये तो हमारी ड्रीम कास्ट थी, सानिया, सईद, बमान, एजाज, ये क्या हो रहा है? मुझे तो मतलब इस तरह की कास्ट आपको मिल जाना, उनके साथ ऐसे ऐसे सीन लिखे जाना, फिर इस तरह डायरेक्ट हो जाना, ये पता नहीं कैसे हो गया और ये हो गया और लोगों ने देख लिया। मतलब ये हमारे लिए अभी तक हम यूं हैं कि ये हो गया, यू नो। तो आई डोंट नो, आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो रकीब से जितना तो नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन इतना कि आप लोग मुझसे खुश रहें, यू नो, पीपल हु लाइक मी एज फरियाल, एज इंशा, एज एन एक्टर, they're still happy with my work. ये pressure कितना ज़्यादा आपको feel होता है कि जब आप एक अच्छा काम कर लें, और with you I'm sure कि you've been doing good work since ever, लेकिन notice होने की बात, एक चीज़ बहुत अचानक से बहुत अच्छी notice, उसके बाद ये वाला pressure feel करना कि यार अब I have to make sure कि मैं उसको top करूँ, उससे नीचे ना गाऊँ, ये बहुत ज़्यादा pressure है। बहुत ज़्यादा pressure है, और जो जो मुझे फोन करता है वो मुझे हर कोई यही बोलता है, देखो रकीब से तो मतलब 15 साल में एक बनने वाली एक चीज है ना। मैंने कहा क्यों? जब एक दफा बन गया उसको वैसा ही कुछ और दोबारा बना ले। हमारे पास राइटर भी यही है वो, और इस तरह और लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते स्टोरी सेंस, हाउ टू डिलीवर वेरी सिंपल स्टोरी टू पीपल, क्यों नहीं हो सकता? देखा ना लोगों ने? पहले ये बोला जा रहा था कि नहीं देखा जाएगा, इट्स टू आर्टसी, इट्स टू स्लो, इट्स टू मच, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई मतलब यू नो, कोई बड़े शॉट्स नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड एक्चुअली हम लोगों को फील हुआ कि इसका तो बहुत सीन हो गया है। लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड पे जो एकदम इंटरनेट फटा था, आई वाज लाइक सो ओके, पीपल आर नॉट स्टूपिड, दे आर इंटेलिजेंट, वी आर, व्हाई डू वी थिंक पीपल आर स्टूपिड दैट दे वांट टू वॉच दिस स्टूपिड यू नो स्टोरीज के एक लड़की, दो लड़के, दो लड़कियां, एक, अरे क्या हो रहा है यार? सही बात है।
और इंटरनेट इनका जब चल रहा था रकीब आखिरी एपिसोड में जब इंटरनेट फटा है तो काशी भाई देखो क्या हो गया, क्या हुआ काशी भाई, क्या काशी भाई जब इंटरनेट फटा काशी भाई वहीं थे सब कुछ तो उसमें किसकी एडवाइस है जिसने बहुत ज्यादा हेल्प की और किसकी एडवाइस है जो तुमने कहा यार अच्छा इनको बोल लेने दो जान दो नाम ना लो लेकिन बताओ ऐसी एडवाइस सुनिए यार ये क्या बता रहा है जिससे क्या करना है यार ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं अभी भी मिलते हैं ठीक है जो बिना वजह एडवाइस दे रहे होते हैं मैं कहती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ जा रहा है और ये क्यों जा रहा है क्यों जा रहा है और ये क्यों जा रहा है इनको क्यों लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक इंसान जिसकी राय मैंने हमेशा बहुत ज्यादा सीरियसली ली है और बिल्कुल यूं करके सुनिए वो फैसल कुरैशी है और उन्होंने मुझे पतले होने का कहा मैंने कहा ठीक है सर उन्होंने फिर मुझे कहा कि मुंह बंद रखो ज़्यादा ना लिखा करो फेसबुक पे ये जो तुम्हारा एटीट्यूड बिहेवियर ये वो मैंने कहा ठीक है सर तो आई थिंक ही हेल्प्ड मी अ लॉट विद नोइंग द इंडस्ट्री एंड मेकिंग माय वे थ्रू दीज पीपल बिकॉज मैं तो यहाँ की थी नहीं ना यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किस तरह इंटरेक्ट करूँ लोगों से किस तरह गुड बुक्स में आते हैं अदाओं के बगैर यू नो तो वो भी एक कला है मैं आपसे मिलने आ रही हूँ वो किस तरह बोला जाना चाहिए यू नो दिस इज ऑल टैलेंट मैन यू नीड टू लर्न दिस आहिस्ता आहिस्ता कि आपको कोई गलत भी ना समझे और आपको सीरियसली भी लें और समझ भी जाएं और किसी आदमी को अपनी बात डिलीवर करना और वो सुन ले आपकी बात और समझ ले ये भी बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए ठीक है अच्छा और ये कब हुआ कि सोचा कि जी मैंने एक्टिंग करनी है ये कहाँ से कब और कब याद है कुछ किसी किसने इंस्पायर किया ये क्या सूझी यार आई थिंक मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा कीड़ा था ना कीड़ा बहुत ज्यादा मसला था ऑपरेशन कराया आपने नहीं यार वो निकल गया ना रकीब से नहीं निकला है मेरा ये रकीब से में ऑपरेशन भी हुआ है अच्छा सही 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 हाँ नहीं वो वाकई कुछ ऐसी चीज मिल जाती जो आप कहते हो यार अब मुझे फील हुआ है कि मैंने कुछ किया है यू नो किसी ने मुझसे कुछ करवाया है उस वक्त जब मुझे शुरू में फोन आया था काशी भाई का कि ये कैरेक्टर है तुम मैंने कहा काशिफ भाई कैसा कैरेक्टर है सच सच बता दें कोई मसला नहीं आप काशिफ नजार है मैं फिर भी काम करूंगी कहते हैं यही कैरेक्टर है मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेती हूँ यू नो हर कोई यही कहता है बिल्कुल एंड में जब मैं आखिरी के सीन्स करवा रही थी कुछ आखिरी हफ्ते में जब मैं शूट करवा रही थी तो मैंने कहा यार यही तो कैरेक्टर है बिकॉज when I was acting it, I was living it. It was something else for me. I don't know how to explain it. It taught me how to act better, how to deliver something else that I haven't delivered before. Okay. You know, I think ऐसे scripts में वो ताकत होती है जो actor को change कर देता है. Absolutely, absolutely. अच्छा आपने बीच में एक singing का scene भी on किया. देखो. क्यों क्या हुआ? नहीं अच्छा हाँ याद दिलाया अच्छा. Okay. मैंने वो सिंग हाँ मैंने किया था फैसल के साथ गाना गाया था उसमें बहुत सारा ऑटो ट्यून है मुझसे बिल्कुल गवाया ना जाए अच्छा, हम आपसे नहीं गवा रहे लेकिन अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था और यार बहुत मजा आया था क्यों मजा क्यों आया क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गाऊंगी और फीडबैक कैसा था खासतौर पे अम्मी का मम्मा का मम्मा खुश हो गई यार और मैंने बहुत डर डर के उन्हें भेजा कि ये किया है मैंने सुन ले देख ले ये हो गया है तो हाँ ये हो गया है तो मम्मा का तो मुझे वॉइस मैसेज वापस आया कि हाय फरियाल तुम गाना ही शुरू कर दो तुम तो एक्टिंग छोड़ दो तो मैंने कहा क्या हो गया उसके बाद मैंने देखा कि जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे तो एवरीवन वाज लाइक फरियाल शुड कंसीडर सिंगिंग दे हैव नो आइडिया तो भाई चलें आपने तो मान लिया कि आप बहुत सारे ऑटो ट्यूनर लगे हुए थे ना आपने हाँ. और किस किस में लगे हुए थे यार मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे खुद ही थी तो मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि मेरे और फैसल पे बहुत लगे हुए इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। नहीं तो मैं जानना चाह रहा था वी आर नॉट सिंगर्स वी आर एक्टर्स हाँ अच्छा ऐसा है हाँ लेकिन आप तो वैसे भी गाती तो अच्छे हैं आप
नहीं नहीं मैं ठीक गाती हूँ, जितना आप गाते हैं उतना ही गाती हूँ। क्या बात कर रही है, बिल्कुल नहीं गाता। मेरा सी मेजर थोड़ा पक्का है, बाकी मैं नॉर्मल हूँ। सी मेजर मेरा डी माइनर। सवाल ये है कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा दिमाग, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, डांस सब कुछ आता है, होस्टिंग क्यों नहीं करती आप? और वो वाली होस्टिंग नहीं के बस आइए बचपन में कुछ हुआ था, नहीं अच्छी वाली होस्टिंग क्यों नहीं करती? दरख्त पे चढ़ जाते हो? कभी मौत को जब कभी मौत को करीब से देखा है? आम को देख के माँ की याद आई थी, ये वाला नहीं। आप होस्टिंग क्यों नहीं करती हो? क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे चैनल से बहुत डर लगता है। चैनल से डर लगता है? अच्छा, मुझे चैनल से, प्रोड्यूसर से, लोगों से डर लगता है। कैसा डर? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि चैनल्स को वो बात समझ नहीं आएगी जो मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे फिल्टर नहीं भी लगा हुआ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने फिर भी करवा ही लिया मुझसे शो जो मैं करना चाहती हूँ, दूसरे दिन बैन हो जाएगा क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल जाना है। ठीक है, तो मैं नहीं, तो आपने लाइव थोड़ी करना है, आप रिकॉर्डेड करें, बाद में एडिट करें। मजा क्या उस चीज का जो कट जाए यार? चलो ये अच्छी बात है, मजा किस चीज का जो कट जाए? हाँ काशी भाई, टिंग टिंग कुछ खोना चाहिए ना, ये क्या फुसफुसा था वो? बात सही है, कटे हुए का वैसी मजा नहीं है जैसा आम है, कट जाए। आम देखें, आम अगर ऐसे पड़ा हो तो मजे का है, कटा हुआ पड़ा हो तो खराब हो जाता है, कटे हुए का क्या मजा आएगा बताने। खवातीन और दर्द वक्त है, ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आप देख रहे थे मजेदार शो। अगर तुम लोग निशाने पे तीर नहीं लगा सकते तो चलाया भी मत करो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से वो तीर चलाना आता है। हमारे मर्दों से जो काम ना हो सका वो तुमसे और असलान बेवालों से मैं करवाऊंगी। देखिए हर जाय जुमाता इतवार रात 8 बजे ये इसका गेम ये जगह पे खत्म करना है इसको। अच्छा, वेलकम बैक खवातीन, आप देख रहे थे मजेदार शो और हम तीन पागल हैं, हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 होगा कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने एक जवाब देना है, तीसरा जवाब आप नहीं दे सकती। आया ना पसीना, आया ना पसीना यार, और आंसू आया ना पसीना, खुशी के आंसू आए, पसीने के साथ आंसू आया ना पसीना, देखो है हसीना। आए हाय, ये आज कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ नहीं कर रहा, बस ये वाला आप रात में करते हो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे आखिर में आपसे 500 चाहिए, ये वाला शो आप रात में करते हो, ठीक है उसको छोड़ दो। Okay. जहाँ स्टार्स देखते हैं फॉरेन ड्रामा सब काला शुरू कर देते हैं, पीछे देखो कितने सारे शो करो शो करो शो करो करिए शो करो शो करो यार, ये दोस्तों को बुलाने में ना ये बड़ा मसला होता है, शो कहीं और निकल जाता है। अच्छा दिस और दैट खेलेंगे, दिस और दैट खेलेंगे, एक सवाल होगा उसके दो ऑप्शन दोगे, आपने उसी ऑप्शन में से कुछ चुनना है, ओके, और जब तक हम ना बोले आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ओके, ऑलराइट, तैयार हो जाइए। एक्टिंग या डांसिंग? एक्टिंग। ओके, फिल्म या टीवी? ठीक है हम बाद में आते हैं, टीवी। टीवी, ओके। फोन कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। अच्छा, लीड कैरेक्टर हल्का हो और साइड कैरेक्टर तगड़ा हो, क्या करेंगी? साइड कैरेक्टर तगड़ा हो। Yeah, cheese, well done. अच्छा, बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। महबिश हयात या माहिरा खान?
अच्छा मैं नोट किया ये सवाल घर पे इस सवाल पे सब रुकते हैं यार, पता नहीं क्या है इसमें। यार कि गुलाबा ने तो अच्छा मैनेज किया था, दोनों बच्चियां प्यारी हैं। अरे भाई दोनों वो कह सकती है ना मैं विश मी बर्थडे ओके सॉरी अमीर दोस्त या सच्चे दोस्त? सच्चे दोस्त ठीक है। और फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? गुगली फहद मुस्तफा, बिकॉज़ फैसल का मैं बहुत हर जगह नाम लेती हूँ। नहीं भाई ओके फहद मुस्तफा जी। आदि भाई पूछिए। अच्छा ये बताइए कि खुले डुल्ले कपड़े या फंसे हुए कपड़े? खुले डुल्ले कपड़े, तुम्हारे कपड़े ठीक है। ये बताइए कि अपने घर के अंदर रहना या दोस्तों के घरों में जाके रहना? घर के अंदर रहना अपने। ये बताइए पाकिस्तान घूमना पाकिस्तान से बाहर घूमना? बाहर घूमना। मैनीक्योर पेडीक्योर कराना या खुद नाखून काट लेना? खुद नाखून काट लेना। कभी चाबी से कान खुजाया? नहीं यार। अरे एकदम तुम तो उसी शो पे निकल गए थे तुम। कभी मौत को करीब से देखा? अच्छा कभी स्कूल से टुल्ला मारा है? साइकिल या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। पहाड़ या समंदर? समंदर। मीठी पूड़ी या खट्टी पूड़ी? अबे ये क्या होता है? गोलगप्पे। एक मीठे वाले होते हैं, एक खट्टे वाले होते हैं। मीठी मीठी पूड़ी। गोला गंडा डंडी के ऊपर या गोला गंडा चम्मच से? डंडी के ऊपर। सारे खाने पीने के सवाल किए साथ में। अच्छा ये बताइए लड़का कैसा पसंद है, अपने से लंबा अपने से छोटा? जैसा भी हो तमीज हो बस और कुछ नहीं। तमीज कैसी तमीज? हर तरह की तमीज। तमीज तो पहनी हुई है मेरे अंडे वाला तमीज। यार अपने से लंबा। आपसे लंबा हो? ओके। ताकि ऐसा ना लगे कि बेटे के साथ घूम रही हो। हाँ मतलब क्यों? अच्छा ना यार देसी हाँ। खाना या अंग्रेजी खाना? अंग्रेजी खाना ठीक है। ये बताइए कि अगर को एक्टर के साथ गुस्सा आ रहा है, जरा ये मेरा गो एक्टर है, मत करे मैं ड्रामा कर रहा हूँ और मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, तो उसको बोल देंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो या फिर बर्दाश्त करती रहेंगी? किसने किसके साथ बदतमीजी की? समझ नहीं आ रहा भाई। माशाल्लाह जी हमारे मेहमान की रहम कम है थोड़ी। अगर को एक्टर से आपकी नहीं बन रही है हाँ। तो उसको आप बोल लेंगी कि यार आप बिहेव करें या आप मैनेज कर लेंगी? मैं डिपेंड करता है प्यार से। अच्छा एक और एक और कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है प्लीज बोल देंगे। अच्छा और अगर किसी में से कोई सेट पे हो और उसमें से बदबू आ रही हो तो क्या करेंगी? बदबू बर्दाश्त करेंगी? मैं वो एयर फ्रेशनर होता है ना वो करवाती हूँ और फिर मैं डायरेक्टर से बोलती हूँ कि बात करें एक्टर से कि प्याज की बदबू आ रही है। हाँ जो भी बदबू यार छोड़ दो। अच्छा उधार देकर भूल जाती है या फिर वापस मांगती है? उधार देख के कभी भी नहीं भूलती मैं, वैसे पैसे दे देती हूँ हाँ। और वो भूल जाती हूँ, लेकिन अगर उधार देती हूँ तो वो नहीं भूलती। वेरी गुड। इकरा अजीज या कोमल अजीज? इकरा अजीज। अपनी आंखें या लेंसेज? अपनी आंखें ठीक है। काशिफ निसार या नजफ बिलग्रामी? हाय यार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही करता है ये, बहुत शरारती है बेटा। मेहमान शिकायत कर रहे हैं। काशिफ निसार। काशिफ निसार। ये बताए कि दोस्ती ज्यादा किससे होती है, लड़कियों से या लड़कों से? लड़कों से। लड़कों से ठीक है। पैसेंजर या ड्राइवर? ड्राइवर। वीडियो गेम या बोर्ड गेम? बोर्ड गेम। ताहिर शाह या उष्णा शाह? ताहिर शाह कौन है? वो आंखों वाला यार। अरे ये क्या क्या ताहिर शाह को नहीं जानती? आर यू अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और आर यू अ पार्ट ऑफ कार्टून? इंटरनेशनल स्टार ऑफ एंजल आईज। एंजल आईज। हां हां यार प्लीज। उष्णा शाह। अरे इतना सोच के अच्छा तकरीबन ताहिर शाह हो गया था ये। आपकी जो सालगिरह होती है वो अपने घर में मनाती है या बाहर आके पार्टी? तुम बताओ तुम आते हो ना। मैं एक बार आया था। अच्छा अब मैं आपको किसी और तरह सुनाऊंगा क्या हुआ था। ये मैं वाकई किसी और तरह सुनाऊंगा कि टीवी पे चल सके। आ जाए इधर आ जाए तीनों। मैं गया फरियाल के बर्थडे। ओके सर। मेरा यूं टेढ़ा लटका हुआ था बैग। अच्छा बैग बहुत एंड में आया। हाँ नहीं बैग लटका था क्योंकि मैं से फरियाल को हैप्पी बर्थडे बोलने गया था और मुझे कहीं जाना था। ओके। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो उस दिन किसी और की भी बर्थडे पार्टी थी। ठीक है। तो मुझे आज तक याद है मैं मुड़ा और फरियाल को मैंने कहा फरियाल चलो LCU। इसने कहा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, लोग अभी तक आए नहीं है और जिनको सब वहाँ चले जाएंगे यूं हो जाएंगे और फरियाल ना थोड़ी सी सैड हो गई। हाँ। तो मैंने वहाँ डिसाइड किया कि मुझे यहीं रहना चाहिए और मैंने बैग लटका दिया। पता ना उसके बाद कुछ याद नहीं। कसम खुदा की सुबह उठ के कह रहा हूँ गाड़ी कहाँ है, सिर्फ इसको याद नहीं है। कसम खुदा की सबको याद है सिर्फ इसको याद नहीं है। मुझे वाकई याद किस किसने आके मुझे क्या क्या नहीं। तो ये मैं एक बार कर चुका। आज तक ऐसी चल रहा है सालगिरह पे पार्टी हो रही है? नहीं अब थोड़ी हल्की हो गई है, अब जरा मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। कम लोगों कोई मसला बात नहीं है। अच्छा ये हमारा मेहमान मिक्स क्यों हुआ भाई? बिरयानी ज्यादा मिक्स हो गया कुछ ज्यादा। अच्छा पता है इमरान खान या इमरान खान? कौन से वाले? मैं तेरा एम्पलीफायर फायर फरियाल ये वाले अल्लाह ने ये वाले। ओके वेरी गुड। बर्गर या बन कबाब? बन कबाब। अपने बाल या एक्सटेंशन? अपने बाल ठीक है। जिम या घर में वर्कआउट?
घर में वर्कआउट। ठीक है, बिजी रहना या फ्री टाइम? बिजी रहना। साफ सुथरे खाने खाने या गंदे खाने खाना? गंदे खाने कौन खाता है? गंदे खाने मतलब वो ठेले वाले होते हैं। मूड होना चाहिए, ठेले वाले भी खा लेते हैं। अच्छा वो वाला, ठीक है। इंजेक्शन या टेबलेट? किस चीज का? किस चीज का नहीं भाई, इंजेक्शन लगवा लेती हैं आप या कहती हैं टेबलेट खा लूंगी? इंजेक्शन इज बेटर। इंजेक्शन इज बेटर, डजंट लुक लाइक टैबलेट। मतलब किस चीज के लिए? इट डिपेंड्स ना, एनीथिंग। सिर विच दर्द होता है? आई थिंक हां टैबलेट ही खा लेते हैं। टैबलेट बेहतर है? दांत में बोटी फंसे तो टूथपिक से निकालेंगे या नाखून के कोने से? टूथ यार, वो दूसरी आती है ना एक यूं करके फ्लफ ये 25 से कम वाले नहीं होते, 25 से कम वाले नहीं लगते। अच्छा जी, मेल को एक्टर्स या फिर फीमेल को एक्टर्स? मेल को एक्टर्स। लाइव म्यूजिक सुनना या रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनना? लाइव। लाइव शोज या रिकॉर्डेड शोज? लाइव शोज। मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज? इवनिंग शो। कॉन्सर्ट या जैज? कॉन्सर्ट। साइट सीइंग या क्लब? साइट सीइंग। साइट सीइंग। साइट सीइंग लग रही मुझे तो। साइट भाई रिलैक्स। साइट सीइंग। अच्छा घर के अंदर कारपेट या मार्बल? रग्स। ओह नाइस। रग्स? नहीं नहीं रग्स, रग्स। तुम अपनी ही बात करना है। रग्स, रग्स। आपकी दोस्ती से गरीब से फिर मैं उसके बाद बनाऊंगा बदतमीज से। बदतमीज मैं बनाऊंगा गरीब से। गरीब को लेना। अच्छा जी, ये तो कर लिया। हम बनाते हैं, ये बंद कर देते हैं। अच्छा जी, एक और आखिरी एक छोटा सा सवाल। अच्छा। आइसक्रीम कोन में पसंद है या चम्मच से? आइसक्रीम कोन में ज्यादा मजा आता है। कोन में ना, तो आप बताएं आप वो करती हैं जो नीचे गुलाई बनानी पड़ती है ज़बान से ताकि गिरे ना। हाँ, पहले मैं नीचे से चाटना शुरू करती हूँ, ठीक है, फिर उसको मैं नीचे से खा लेती हूँ। तो गिर जाती? वेफर को नीचे से खा लेती हूँ। गिर जाएगी सारी यार? यही तो मजा है, मैं खत्म नहीं करती हमेशा आइसक्रीम। मजा है, नीचे से खाती हूँ, ऊपर से खाती हूँ, फिर किसी और को दे देती हूँ, खाओ। मतलब किसी और को दे देती हूँ, कन्नों तक थूक लगा के मैं किसी और को किसी और दे देती हूँ। और एवरी टाइम आई हैव समवन टू हैव माय आइसक्रीम विद मी। आई डोंट नो हाउ। माशाल्लाह बंदा रखा हुआ है। इट्स ऑल सॉर्टेड। आई एम इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा जी, दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। गंभीरता बढ़ाओ, गंभीरता बढ़ाओ। दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक एक मैं पूछूंगा, एक आदि पूछेंगे। okay. सोच समझ के जवाब दीजिए। जी आदि भाई। okay. अच्छा ये मैं क्लियर कर देता हूँ, हमेशा करता हूँ कि ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्योंकि ये शो बहुत मस्ती मजाक वाला है। हाँ। तो लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ यही हो रहा है इसके अंदर। तो हमने इसलिए दो सवाल डाली है ताकि हमारी जो ऑडियंस है खासतौर पर नई जनरेशन सीरियस हो जाए। जी जी जी। अच्छा। इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिले और इनको लगे कि जो ये आर्टिस्ट होता है इसके जहन में क्या चल रहा है। तो क्योंकि डिजिटल मीडिया पे लगता है तो व्हाटएवर यू आंसर मेक श्योर कि वो सही हो, क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव है। हमारे यहाँ यही होता है कि हम मस्ती मजाक में बोल देते हैं। अब बोलो ना। मुझे ये बताएं कि एज एन आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया, ये बताएं आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है फॉर द न्यू जनरेशन? लास्टिक वाली शलवार या नाड़े वाली? पता था मुझे। तैयार थी लड़की, तैयार थी। बताइए। प्लास्टिक वाली। क्यों यार? से आराम से चढ़ जाती है, आराम से उतर जाती है। ये तो शलवार ही जिम्मेदारी हो गई। आराम से चढ़ जाती है। इतना सिंपल जवाब किसी ने नहीं दिया। आराम से चढ़ जाती है, आराम से उतर जाती है। शूट करते हुए कितना मजेदार रहता है यार। बार बार यार फॉरेन से फॉरेन चलो। हाँ, क्योंकि कहते हैं जल्दी करें, लाइट जा रही है। हाँ, टैलेंट वैलेंट गया आपका साइड पे, जल्दी करें, सूरज जा रहा है। अच्छा जी, आखिरी सवाल और इस पे आपने वाकई सोच समझ के जवाब देना है। okay. लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। ओके okay. और वो है आदि या फैजान। ये डांस फिक्स है कैसे यार? आप म्यूजिक बजाओ जब तक, वो सोच रहे हम तो डांस करें यार। I'm enjoying this. Let's keep this going. जानबूझ के जवाब नहीं दे रही, रक्स देख रही हमारा। यार आप जा। जवाब दे। पॉपकॉर्न लेने जा रही है यार। पॉपकॉर्न लेने जा रही है वो। हाँ। यार। ये बलूचिस्तान से आना हुआ हमारा। इसीलिए नहीं दे रही जवाब वो। अच्छा। आदि। आदि भाई बजाओ। ला ला। जाओ आजा नाचो। नाचो।
जान खवातीन और जान आपको बताऊं कि एक स्कोर बोर्ड चल रहा है जी। पूछोगे ना क्यों? क्यों? अरे अरे चलो यार बताओ क्यों। वैसे नहीं, वैसे हम नहीं पूछते लेकिन बताओ। हाँ। क्योंकि फैजान के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। ओह दैट इज व्हाई। ये क्या लॉजिक हुई भाई? ठीक है ना, लॉजिक क्या हुई? मैं स्क्रीन पे बहुत दफा आ चुकी हूँ ना इसके साथ। तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही दफा काम किया था मैंने। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जवाब आसान हो जाता है। आपने कभी वो सुना है फिश लॉजिक? देख लो ऐसा ही है। वेल डन, वेरी गुड, इट्स ऑल राइट। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। काशी भाई आपका कोई पसंदीदा गाना है तो उसको डाउनलोड करके सुन ले। काशी भाई नहीं सुना सकते, आप इधर आ जाए। काशी भाई हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाए जल्दी से। अरे वाह, लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू, मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहां कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया रे, छीना मुझसे मुरा दिया रे, जीते जीते मार दिया रे। पैर संभल के मारियानी समिए, पैर संभल के मारियानी समिए, सम्मी मेरी वार मैं वारी मैं वारियानी समिए, सम्मी मेरी वार मैं वारी मैं वारियानी समिए। एक तारा मैं अकेला, गीत तू है अलबेला, अब मिले तो ढोल बाजे डमाडम, अपना जीवन एक समंदर, तू है सीपी इसके अंदर, और मोती जगमगाए झमाझम, कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे मोरा दिया रे, जीते जीते मार दिया रे। ओ, 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 ओ। मेरी वार मैं वारी मैं वारी यानी सम्मीए, सम्मी मेरी वार मैं वारी मैं वारी यानी सम्मीए, ओ सम्मी मेरी वार मैं वारी मैं वारी यानी सम्मीए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि दिल अमजद, उनके साथ मौजूद है फरियाल महमूद, और अब हम खेलने लगे उर्दू मीडियम। मजेदार 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 उर्दू मीडियम क्योंकि आपने बिल्कुल की स्क्रिप्ट की थी। अच्छा। तो हमें शक है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई होगी। कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं वो आपने जुमले में इस्तेमाल करने, जैसे बचपन में करते थे जुमला बनाइए। याद है आपने यूएस में जुमला बनाई हुआ था आपके साथ? नहीं यहाँ पे किया था। पढ़ी नहीं होता है। यूज द वर्ड इन अ सेंटेंस। हाँ ये तो किया मैंने। यूज द वर्ड वर्ड डी है ना इसमें? अच्छा वो तो वर्ड नहीं है, वर्ड है, वर्ड द वर्ड। ओके आर साइलेंट है। अच्छा जी पहला जो वर्ड है वो है वर्ड संगे मील। क्या इस्तेमाल करें? अब आप सोचो इमेजिन करो कैसा साउंड कर रहा है। इसमें अच्छी बात ये आपको इजाजत है, आपको जो लगता है ये हो सकता है। संगे व्हाट? संगे मील। तो आपने जुमले में इस्तेमाल कर लेना है, फिर हम बताएंगे कि सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। हम इसका मतलब बता देंगे आप। हाँ। संगे मील संगे उर्दू है जी। जी जैसे हैप्पी मील संगे मील। संगे मील जी जी बड़ा बड़ा आम फहम उर्दू का। वैसे तो मैं नहीं कहते संगे था संगे मील था यार, इससे करवा लो ये मेरी जगह इधर आओ, मेरी जगह खेलो। मजा मेहमान ये है, मजा मुझे आ रहा है। संगे मील को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। संगे मील
हम चले संगे मील. आई डोंट नो. कंप्लीट करो जुमला. बना ले संगे मील. संगे मील टू सी व्यू. हम चले संगे मील सी व्यू. हम चले संगे मील सी व्यू. गलत नहीं है जुमला, लेकिन सही भी नहीं है. संगे मील कहते हैं माइलस्टोन को. अच्छा, तो ये बेहतर हो सकता था. मैं समझा तुम कहोगी हम चले संगे मील तक, तो हो जाता ठीक है जी. हम तब तो समझ में आ जाता ना मुझे. मतलब हाँ. मतलब ही नहीं पता. ठीक है, अब आपको समझ आ गया. संगे का मैंने वो बना लिया कि संगे, संगे जैसे काशी भाई कल संगे सॉन्ग. भैया सॉरी, मुझे थोड़ा खाना दे देना अगर मैं नॉर्मल हो जाऊँ. ऐसा लगता है तुम्हें बहुत ही जल्दी है. मैं समझा तो ये मिसाल ये देगा कि काशी भाई नहा के संगे बाहर निकल आए. इसको भी थोड़ा खाना दे देना, ठीक हो जाएगा. हम दोनों को थोड़ा सा खाना दे दे. अच्छा, दूसरा वर्ड है अदावत. अदावत. Do you know what अदावत means? No. अदावत के जुमले में इस्तेमाल कीजिए. कल मेरे घर में अदावत है. यार तुम इस तरह करोगे मैं सोच ही नहीं पाऊंगा. अच्छा, अदावत. अदावत. Very nice. ये मैंने पहली दफा अपनी सोच का एक म्यूजिक सुना है ना. अदावत. अदावत. जल्दी से. ठीक है. जुमले में इस्तेमाल कीजिए. मुझे अदावत है. इसको अदावत आ रही है. मुझे अदावत है. मुझे अदावत है कि तुम ठीक शख्स नहीं हो. ठीक है. क्या मतलब है अदावत का? अदावत का मतलब होता है दुश्मनी. शुरू सही होती है, पता निकाल निकल जाती. मैंने कहा मुझे अदावत है फलाने से. मुझे दुश्मनी है. हाँ चलो सही है. मुझे अदावत है कि तुम सही आदमी नहीं हो. तो अलग जुमले हैं. But not that bad. Not that bad. Okay, because it's like that. Yeah. Okay. मुंतशिर. Oh my God. चलो चलो. यार. मुंतशिर. भाई इस काम के लिए बंदा रखा हमने. कह रहा. चलो चलो मुंतशिर. मुंतशिर. Come on. देखो ना यार. मुंतशिर को जुमले में इस्तेमाल कीजिए. मेरे दो बेटे, एक मुबशिर और एक मुंतशिर. यार ये तो इतना न्यूज़ में इस्तेमाल होता है. मुंतशिर मुंतशिर मुंतशिर. न्यूज़ देखनी भी तो पड़ती है ना. ये भी एक बात. मुंतशिर मुंतशिर. किसी का वेट करना मुंतशिर. नहीं आप जुमले में इस्तेमाल करते हो. आई डोंट नो. वो मुंतजिर होता है. मैं उसके इंतजार में नहीं, मैं उसका मुंतशिर कर रही हूँ. अच्छा, हमें लगा था खाली होस्ट है वो जाहिल. अब हमें गैस भी अपने जैसा. भाई मुंतशिर कहते हैं स्कैटर्ड को. ओ शिट. हां अच्छा, मुंतशिर. क्राउड को मुंतशिर करने के लिए पुलिस बुलाई गई. यार कोई हटो तुसी. एक तो पूछ लो ऐसा जो मुझे आता हो यार. ये पता होगा तुम्हें. अच्छा आसान वाला मैं पूछूं. हां अलमारी. चलो अलमारी को जुमले में इस्तेमाल करें. मैंने अलमारी खोली फिर बंद कर दी. काफी स्मार्ट लग रही है. वोकैबुलरी की इंतहा चेक करें आप. वोकैबुलरी की इंतहा चेक. मैंने अलमारी खोली और बंद कर दी. उसको भी अच्छे तरीके. क्रिएटिविटी उतनी है जितनी हमारे राइटर्स की है. देख ले आप. वेरी नाइस. ओके अलमनाक. यार अलमनाक तो यार. हाँ, मैंने मिर्ची खाई फिर अलमनाक से सारा निकल गया. भाई तुम तो ना बनाओ. भाई मैं भी उसके साथ ही हूँ ना. मुझे थोड़ी पता क्या लगा. तुम उससे पीछे हो. अलमनाक. अलमनाक. अलमनाक कोई खौफनाक कोई चीज. मुझे भी यही लग रहा है. हाँ यू देयर. यू देयर. अलमनाक जुमला में इस्तेमाल करें. क्या अलमनाक हादसा है ये. अरे वेरी नाइस. क्या हो गया. अलमनाक कहते हैं ट्रेजिक को. भाई वाह. वेल डन यार. अगर आपको वर्ड ना पता और सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है. वेल डन. वेल डन. एक पॉइंट आपको हम देते हैं इस बात पे. थैंक यू थैंक यू. दो अलमारी भी किया. हाँ हाँ खोली बंद कर दी. तो ये तो तीनों ने चाहिए. खोला भी बंद किया. वेरी गुड. मुशाबहत. क्या क्या मुझे कुछ और ही सुनाई दिया था खुदा की. मुशाबहत. 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 मुजाबहत. मुजाबहत. अरे मुशाबहत. मुशाबहत. तुम्हें पता है ऐसे बोले जा रहा है. आज माशाल्लाह दोनों गेस्ट हमें ही दलील करने आए थे. भाई मुझे तो पता है ना कि नहीं मुझे पता. नहीं पता. मुझे पता है, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता. मुशाबहत. मुशाबहत बताओ. इसमें रोने वाली क्या बात है. आंसू निकल रहे. मुशाबहत. मुझे बहुत जोर से मुशाबहत आ रही थी. मैं कर आया. नहीं हो सकता. सॉरी. नहीं नहीं. मुशाबहत. वो तो देखो. यार ये क्या है. मुझे नहीं पता. जुमले में. जुमले दाना में. है दाना. हाँ उर्दू भी नहीं निकल.
इतनी मुशाबहत। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, मिलता जुलता। मिलता जुलता हाँ, मुशाबहत से मतलब। अच्छा ठीक है, वाह बड़ा फायदा हुआ। हम आपस में मुशाबहत करते रहते हैं। नहीं, दैट इज नॉट अ सेंटेंस, वो मुशावरत होती है। देखो मैंने मुशाबहत इस्तेमाल कर लिया एक सेंटेंस में। क्या किया आपने? सेंटेंस। अच्छा जितने टर्म होस्ट है उतनी टर्म गेस्ट है। अच्छा सुनो, मेरी सेंटेंस में सेंटेंस मेरा एक बचपन की ट्रिक है। अब मैं आजमा के देखता हूं क्या पता चल जाए। ठीक है, अगले वर्ड मैं अभी भी कुछ और मुशाबहत का बता दो। ये मुशाबहत है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है तुम्हारी। हम पता ये करते थे उर्दू में जब नहीं आता। अगर मैं आपको वर्ड दूं कुत्ता, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये कुत्ता है तो सही है ना, जुमला तो है ना ये भाई। मुशाबहत कहते हैं रिजेम्ब्रेंस। हाँ? अच्छा क्या, अच्छा आपकी आपकी अम्मी से बहुत मुशाबहत है। अच्छा। जैसे ये देखो, ये पीछे अलमारी और काशी भाई की मुशाबहत है। छोड़ेगा नहीं। अच्छा काशी भाई की, काशी भाई की बैंड ही पूरी कर दो। हाँ। अच्छा जी आप अगला तुम इस्तेमाल करो। किधर? हाँ। किधर नहीं, जुमले में। हाँ। आओ फितना कर, करो फितना कर। तैयार बैठी है। मेरा बेटा, मेरा बेटा हुआ है, अब हम उसका फितना कर रहे हैं। एक सेकंड, व्हाट द वर्ड पूरा बताइएगा। फितना कर, फितना कर। हाँ बोलो। मुझे लगा बताने लगी है। फितना कर। हाँ आओ आज रात को वाली फिल्म देख के आते हैं, फितना कर। ये किसी फितने को डेट पे लेके जा रहा है। फिल्म का नाम तो फितना कर रख दिया है। देखो नहीं, जुमले में इस्तेमाल करो। इतनी दूर जाके नहीं उठाते फितनों को। तुम्हें पता है मतलब फितना कर। हाँ देखो मैं काम से जा रहा हूँ, तुम मेरे बारे में फितना कर नहीं करना। वो फिक्र होती है, फितना कर कहते हैं ईविल को। तो मैं सही बोला था ना। क्या बोला था? चलो चल के फिल्म देख के आते हैं, फितना कर। नहीं फिल्म नहीं हो सकती फितना कर। अच्छा तुम बताओ, महरूसियत। महरूसियत, महरूसियत कोई वर्ड है? नहीं है। मतलब ही बताओ, बताओ क्या है महरूसियत। यार आप मनहूसियत होता है तो तुम्हारी शक्ल पे है। महरूसियत है भाई, महरूसियत। शिपने बलबम। शिपने क्या? शिपने बलबम। शिपने बलबम। कल रात उसके ख्याल में मैं शिपने बलबम हो गया। फिर इतना बलबम हुआ, इतना बलबम हुआ, क्यों उल्टी आ गई? बलबम के बाद उल्टी आ गई। क्या है शिपने बलबम? कुछ नहीं होता। फिर डॉक्टर ने कहा था स्टीम लेना चाहिए बलबम के लिए। चलो बताओ सफाक। अल्लाह अभी तक चल रहा है ये गेम। सफाक तो बहुत आसान है। सफाक मेरा मेरा करेक्टर बहुत सफाक है। इसको बंद करेंगे आप? नहीं सफाक इसमें इस्तेमाल होता है। इसको बंद करेंगे आप भैया, टीवी नहीं लगता। पता है पता है सफाक, सफाक वो इंग्लिश वाला तो नहीं है। Precisely? What, safak? Precisely? Does it mean precisely? No. Safak. बताऊं? हाँ बता दो यार। Brutal. Brutal. ओ यार ये तो स्क्रिप्ट में भी होता है। बहुत होता है। करे ना? वो उस, और उस, अक्सर स्क्रीन प्ले में होता है। उसे सफाक चेहरे से देखकर कहा। तो कुछ और ही होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एडिटर का काम मत बढ़ाओ। ओके सॉरी सॉरी। ब्रूटल भाई इस्तेमाल करें जुमले में सफाक। सफाक। इसने मुझे सफाक तरीके से मारा। हाँ ब्रूटल तरीके से मारा। I don't believe it though. You have to like make me believe it. हाँ उसने मुझे इस शकल पे तो क्या करूँ, हाथ तोड़ लूँ अपने क्या, उसने मुझे सफाक तरीके से मारा है। ठीक है कोई बात नहीं। और अगला वाला बहुत मुश्किल है दोस्तों, तैयार हो जाएं। होशरबा। क्या होशरबा? अम्मी जाओ और सॉरी होशरुबा। होशरुबा अच्छा नहीं नहीं हाँ ठीक है। अगला वर्ड है होशरुबा। होशरुबा सुनो कितनी पीली होश रुबा। ओ भाई ओ भाई वो नहीं है ये। पश्तो में उठाना शुरू कर दिए इसने किसी को। होश रुबा होश रुबा ए बड़ा होश रुबा। नहीं भाई उर्दू का वर्ड ये होश रुबा। प्लीज होश रुबा होश रुबा होश रुबा। क्या क्या ऐसे करे क्या, खूबसूरत वर्ड यार होश रुबा। होश रुबा तुम्हें देख के मेरे होश रुबा उड़ गए। बनता है क्या? करीब था। किसके दिल हो सही होने के? क्या
अच्छा कर रहे हैं, वो मुझे आपको से बोल रही है, मैं उसको आपको से बोल रहा हूँ। क्या हॉर्स बिठा रखा है आपने दोनों? मुझे लगा उसको आ रहे ऐसे ऐसे कर रहा है। दोनों का सिस्टम अटक गया। अच्छा मुझे लगा उसको आ रहे, उसको लगा मुझे आ रहे। आई नहीं रहा, चलो ओशरूबा ओशरूबा, चलो यार इतना आसान है तो मेरे दिल के ओशरूबा नहीं रैविशिंग। अरे अरे बैठे रहे बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई भी नहीं है। होश रुबा कहते हैं रैविशिंग को, होश उड़ा देने वाला। मैं होश रुबा, हाँ ये होना चाहिए था। तुम मेरी होश रुबा हो, मेरी नहीं हो, तुम मेरे होश उड़ा रही हो ना। अरे भाई यार वो समझा रहा है, फिर भी तुम नहीं समझ रहे माशाल्लाह डफर। अच्छा अगला वर्ड है रेजिन। डफर कौन बोलता है जमाने में? रेजिन वो नहीं जो केक में होता है, वो वाला नहीं। नहीं रेजिन नहीं, रेजिन नाम बताओ। ये इस शहर के रेजिन है। लड़की अच्छा खेल गई है। क्या बोलो? अच्छा खेली है, लेकिन तुम बताओ रेजिन इससे। हम लोग बलूचिस्तान के रेजिन वाले हैं। ये इससे मेरी कॉपी की है। बेटा तू पिटेगा इस बात पे। क्यों? इस बात पे पिटेगा क्योंकि इसका मतलब होता है बैंडिट, यानी कि डाकू। हाँ तो क्या बोला? ये इस शहर के रेजिन, ये शहर के डाकू हैं। तो मेरा भी तो सही था। हाँ सही था, लेकिन तुमने क्यों बलूचिस्तान? तुमने बोला हम बलूचिस्तान के रेजिन हैं। मैं जगह रहने वाले होगा कुछ। नहीं नहीं रेजिन का मतलब होता है डाकू। ठीक है बैंडिट क्रिमिनल। ओके ऑलराइट आखिरी है जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोनों। मखमसा। तुम्हारे मुंह पे मखमसा निकला हुआ है। वो मसा होता है, मखमसा होता है मखपा रहे ना मखमसा वो कह। अच्छा मैं आपको हिंट, चलो भाई आपस में दोस्ती कर लो, एक मिनट रुको रुको, आपस में लड़ो नहीं मखमसा कर लो। वो मुकमुका होता है। नहीं मखमसा होता है यार, मुझे इस मखमसे में नहीं पढ़ना, बकवास में नहीं पढ़ना। इतने चालाक हो ना, फौरन समझ गया था। ये बिरयानी बहुत मखमसा है। मुश्किल मसला उलझन मखमसा जुमले में इस्तेमाल करें। किसको? मुझे। ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मखमसा है। बड़ा ब्यूटी, वेल डन जी आदि भाई। मखमसा काशिफ भाई। अरे काशिफ भाई को छोड़ दे यार। मखमसा हाँ क्या मतलब था? मुश्किल मुश्किल उलझन। ये गेम ही बहुत मखमसा है, ये गेम ही बहुत मुश्किल है। वाह बहुत बुरा किया तुमने, उसने अच्छा किया। मेरी भाई हाँ, एक वर्ड मैं मुश्किल बोलूंगा, एक वर्ड आप मुश्किल बोलो। चलो देखो मैं जुमला बनाऊंगा। मुझे मैं जुमला अच्छा चलो सुनो मैं जुमला हम दोनों क्योंकि हमें तो आती मैं जुमला बनाऊंगा हम अपना एक वर्ड मैं जुमला बनाऊंगा चुप करना पागल हम दोनों अपने दिमाग में एक वर्ड बनाते हैं और उसका एक मतलब भी बना लेते ठीक है लेकिन मैं जुमला बनाऊंगा तो देखते हैं उतरता है कि नहीं उतरता है कि नहीं ऊपर चला जाऊं चलो कहां क्या है कुछ नहीं गेम रेशनी आप तुमने इसका एक वर्ड बना लिया मैंने इसका एक मतलब भी मतलब भी बना लिया रेशनी वो कपड़ा बहुत ही रेशनी था हो सकता है ये तो तुम लोग बहुत ही यार बिल्कुल ही बच्चों की तरह खेल रहे हो उसने कहा रेशनी तुमने कहा वो रेशमी अरे यार तो आप क्या बोले रेशनी कोई वर्ड होता है क्या हमें नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी हम यही करने बैठे हैं हमारे से यही होता है बताओ बताओ रेशनी का रेशनी का क्या अब उसने बता दिया तुमने कहा हाँ ठीक है आप भी बनाओ आपको क्या समझ आया ये रेशनी जुल्फे ये बिलीवेबल ये बिलीवेबल था देखो यार मैं जीत गई यू आर 100 पॉइंट थैंक यू 100 पॉइंट 101 गो नाउ गो गो प्लीज गो अच्छा अब बना एक वर्ड बनाओ हां मैं या फिर अगर कोई मुश्किल वाकई वर्ड पता है तो पूछ लो हमसे दिल खम खम ये मैंने मुश्किल किया अगर मुझे पता भी होगा मैं भूल गई मैं उस थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालती हूं फिर भूल जाती हूं स्क्रिप्ट में कोई बहुत मुश्किल वर्ड आ जाए तो उसको पता नहीं होता कैसे तो फिर वो क्या होता है उसमें क्या करते हैं डायरेक्टर से पूछते हैं राइटर से ऑब्वियसली हां क्या और अगर डायरेक्टर को भी ना पता हो तो नहीं नहीं पता ही होता है उनको हां पता ही होता है आम तो आसान होता कस्बा 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 तो जगह तो पता होगा मुझे इतने भी इजी वर्ड्स नहीं पता तो यार शहर है हाँ। इसको भी पता है देखो हाँ। मुझे ये भी नहीं पता था जब मैं कर रही थी रकीब से मतलब मुझसे भी ज्यादा क्या होता है अच्छा ये अच्छा सिन्फे नाजुक बता दें सिन्फे नाज क्या सिन्फे नाजुक सिन्फे नाजुक सिन्फे सिन्फे नाजुक मैं उससे मिला बड़ा ही सिन्फे नाजुक है नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं करीब जा सकते हैं उसको तुम बना सकते हो ये जुमला बन सकते उसके सिन्फे नाजुक ना मुझे पसंद है नहीं सिन्फे नाजुक सी अदा हाँ ये हो सकता है नाजुक कहते हैं लड़की को हाँ अच्छा, तो मैंने यस हैं यस
इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया तुम लोगों ने अदब, लड़की को। अदब है ना, उर्दू अदब है। अच्छा अब मेरी बारी। अल्लाह खैर, आखिरी है इसका ब्रेक है, जल्दी बताओ। तमकिम। अब तो आवाजें भी नहीं निकल रही मुंह से। अबे तू क्या बंगाली शो कर रहा है? खाना दे दो। बंगाली शो कर रहा है यार ये। आई स्वेर तमकिम। व्हाट इज तमकिम? मेरे दिमाग में पंपकिन चल रहा है। तो मैंने कहा पंपकिन तो। काशी भाई कोई मुश्किल वर्ड आता है आपको? हां आता है जल्दी। काशी भाई चलो आप बताओ ना। मुझे मुझे आता है लेकिन वो उर्दू नहीं है। करो करो आप इंग्लिश में करो। तंबड़कड़दम। और ये एक्चुअल वर्ड है। चिड़ियों से गिरी हो बस। खुदा की कसम ये वर्ड है। मैं गिरी हूं तंबड़कड़दम। उसे मैंने धक्का मारा मैं तंबड़कड़दम। काशी भाई बताओ मुश्किल वर्ड मलयालम में। अच्छा मलयालम। मलयालम का हमें हमें उर्दू सही बोलो। बोलो मलयालम बोलो। बोलो तंबर करदम कोई है? काशी भाई आपको तो घर की बात है, ये तंबर करदम वो कह रही है तमिल में वर्ड है। आपके लिए तो आसान है, बताइए तंबर करदम क्या होता है? मुश्किल वर्ड, मुश्किल वर्ड, मुश्किल वर्ड। ये आ गए तमिल लोग आ गए। गबड़ गंजू। काशी भाई बहुत ही कपड़ा गच्चू है भाई। भाई हम तंबड़ एक सेकंड। एक सेकंड। तंबड़ गर्दब का मतलब ढूंढ रहे हैं। तंबड़ गर्दब का मतलब चाहिए। तंबड़ गर्दब होता है तंबड़ गर्दब। I'll give you a hint. हाँ please. It's something to eat. Something to eat. Eat. करेले. No. चाट चाट शलजम. No. दाल चावल. No. दही. No. मीठी पूड़ी. नहीं. खटी दाल. नहीं. काली दाल. पूरा मेन्यू सुना दिया. यार मेरे पीछे कोई कैमरा रखे देखेंगे क्या कर रहा है। अरे क्या है तंबड़ गर्दब बता दो, बता बता दो। आलू घोटाला। अंडा घोटाला। अंडा घोटाला। अंडा घोटाला। आलू घोटाला। दाल घोटाला। कबाब घोटाला। सरिया घोटाला। यार इसने मुझे बुला दिया है पता है। एक सेकंड। स्वीट पोटैटो। खूबसूरत होता है शकरकंदी। तंबड़ गर्दब। तंबड़ गर्दब देखा बोले स्वीट ही ना तंबड़ गर्दब। बेटा 10 रुपए की तंबड़ गद्दम ले आओ। एग्जैक्टली यार से रिदम है यार बोलने में तंबड़ गद्दम ले आओ। ये अच्छा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। अब तुमने ऐसी ज़बान में ब्रेक लेना है। उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं चाहिए। कर दो। उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं चाहिए। हाँ फिर किसका चाहिए? ये जो तंबड़ गद्दम की बोला तो हो जाता है। खामोश हो जाए जी। तमिल में आदि भाई बोलने लगे ब्रेक। अच्छा भाई आपसे पूछते आप बताओ आलू का मतलब। नहीं मैं पूछूंगा ना आपसे। दस पना। दस बना। दस बना जान छोड़ो मैं। दस बना वो होता है ना किचन में इस्तेमाल होता है। आ, बताओ क्या, क्या ये मैंने दस बना। दस बना ये किचन में इस्तेमाल होता है। ये मैंने ना उसका चुप कर। अबे तो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ तो सुन नहीं रहा। सुनो मैंने ये नट खोला दस बना दे मुझे। नहीं नहीं दस पना किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज है ना। क्या चिमटे को बोलते हैं? डस्ट पैन। नहीं नहीं चिमटा। चिमटा 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 दस पना। वो चिमटा दस पना। अरे यार ये आपने 1.5 घंटा सोच के ये सवाल किया हमसे। दस पना हद हो गई यार। काशी भाई आप ले ली ब्रेक। ये बहुत ही बचपने वाला सवाल था दस पना। काशी भाई आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे और तो टाइम जाया नहीं करना आपने। तो मेरा ब्रेक ले लेते। आदि भाई अल्लाह। अच्छा, आदि भाई तमिल में ब्रेक लेने लगे। अन्ना बच्चे लेंगे ने अन्ना तमिल दे लोरे न तन्ने बन्ने चन्ने बन्ने बन्ने ब्रेक। एक सेकंड नहीं। हम कैसे करते हैं ब्रेक? कैसे करते हैं ब्रेक? आप देख रहे हैं तो मजेदार शो को उसमें इनकॉर्पोरेट करो। बोलना नहीं मजेदार शो यार तो फिर कैसे? लेकिन लेकिन लिंक ब्रेक वाला यार यही तो गेम है फिर। अन्ना बन्ने अन्ना बन्ने तो वेलकम बैक। आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद। उनके साथ मौजूद है फरियाल महमूद। अब हम खेलने लगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। जी हाँ ब्रेक में हम लोग खा रहे थे तंबड़ कदम खा रहे थे। हम आपको आप ही की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ओके। और आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या था कहाँ था क्यों था और कैसे था। लाइए जी तस्वीर दिखाइए पहली फटाफट। अरे वाह ये कौन है? ये किसी माइयों के बीच में आप अपना कुछ ये फरियाल है। ये मैं अपना डांस कर रही हूँ। आंखें बंद करके डांस कर रही हूँ। लाइक नो वन्स वाचिंग। अच्छा क्या सीन है? दानिश महविश का जो भाई है दानिश हयात उसकी मेहंदी शेंदी की पिक्चर है। ओके एंड मैं बैठ के बस एंजॉय कर रही हूँ। मुझे या तो तस्वीर सही नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं फरियाल लग रही। अरे भाई क्यों नहीं लग रही? मैं तो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आगे जी अगली तस्वीर।
अरे पेट में दर्द, अरे पेट में कबज, कबज यार ये मैं बताती हूँ इसमें इतना ज्यादा मैंने पोज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं अभी तक सही तरह पतली नहीं हुई थी इसमें यार, माफ कर दो। तो मैंने पेट अंदर कर लिया, मैंने यूं किया कि कुछ भी नहीं है, माफ कर दो यार, मतलब इससे ज्यादा और आदमी क्या पतला हो सकता है भाई। मैं हो रही थी यहाँ पतली। आगे चलो। ओ गुस्सा, ओ ये अच्छी तस्वीर, ये बहुत पुरानी है। अच्छा हाँ, ये मेरा आई थिंक पहला फोटोशूट है पतले होने के बाद, जो मैंने पहला फोटोशूट कराया था। अच्छा ये वैसे मुझे सच बताएं, ये जर्नी में कितना टाइम लगा आपको? इट टुक मी 3.5 years टू गो फ्रॉम 96 kgs टू 54 kgs। वाओ वंडरफुल यार, और इसमें यकीनन इसमें भी डाउन डेज आते हैं, आदमी डीमोटिवेट होता है, दिल नहीं चाहता जिम या एक्सरसाइज करने का, या फिर खाना खाने का बहुत दिल चाहता है, दिल चाहता है सेट पे हमारे यहाँ मीठा खाने का, yes, दिल चाहता है। यस यस यस, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अब मैं खा लेती हूँ, आई एम नॉट 54 kgs एनी मोर, आई एम 62-63 kgs। अब मैं इंसानों की तरह खाना खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, मीठा खाती हूँ, जिंदगी को एंजॉय करती हूँ। बट यू नो हाउ टू बैलेंस इट नाउ। यस वंडरफुल, बड़ी लंबी जर्नी होती है, इतना आसान नहीं होता जी। हम लोग जो कहते हैं ना कि यार आप लोग के तो मजे हैं, कोई मजे नहीं, कोई मजे नहीं है आपके सामने मौजूद। 3.5 साल की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी होती है, वेल डन, हैट्स ऑफ, थैंक यू। अगली तस्वीर, आई थिंक ये आगे वाली फरियाल है। अच्छा मुझे लगता था कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। वाह वाह वाह, ये मेरे ख्याल से कोई बिल्कुल अर्ली शोज की गेम है, आई थिंक सो, है ना? हाँ वेरी नाइस। क्या यार, इसके तो लगता है कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, हम कितने गोलू गोलू थे ना सब लोग, लग रहा है फन चल रहा है ना, यादें यादें, वेल डन, आगे चलें भाई। अरे ये मोहब्बत तुमसे नफरत है की पिक्चर है, और ये मैंने बहुत ही इंटेंस सा कैरेक्टर किया था, नेगेटिव, आई रिमेम्बर, यस, तो दिस इज फ्रॉम दैट। इसमें लुक चेंज की थी मेरे ख्याल से, हाँ है ना, आगे बैंग्स कटी थी, नई नई थोड़ी सी पतली हुई थी मैं, और मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था देखो मोटी ना लगना, मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये हमारे एक मुझे लगता है ज्यादती नहीं है, अच्छा है, मतलब अच्छा लगना इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स गुड, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज को जो एक सांचे में फंसा दिया है कि भाई हीरो वही हो सकता है जो गोरा हो, पतला हो, चाहे उसका क्राफ्ट गया साइड पे, हीरोइन वही हो सकती है जो लंबी हो, पतली हो, उसका क्राफ्ट गया साइड पे, ये तो मुझे लगता है कि अरे बेटा, अरे ये मेरी बेटी आई अभी मैट्रिक के पेपर दिए तो घर पे फारेगी है, ऐसा है हाँ कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक अभी हमारे पास हैं एक्ट्रेसेस जो पतली नहीं हैं, यू नो, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर डूइंग ऑल गुड ब्रांड्स एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्लेज ऑन मेन लीड, तो वो आई थिंक हम ही थे जो रगड़े में आए, क्योंकि जब आप आई डोंट नो, जब आप थोड़ी सी लिबर्टी से आते हैं, यू नो, कोई आपको रिकमेंड करता है जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ हो सीन, तो आई थिंक फिर आप मोटे हो, पतले हो, काले हो या गोरे हो, आपका सीन ऑन है। हाँ हाँ, आप बुरे भी हो ना एक्टर, आपका सीन ऑन है। एक्टिंग तो बहुत बाद में आती है, क्राफ्ट तो बहुत बाद की गेम है। आगे चलो भाई, छोड़ो हम कहीं, अरे वाह कहाँ से जंप मारी है आपने, कौन से होटल का खाना खा के बाहर? ये मैं इस्लामाबाद प्रोजेक्ट करने गई थी और एक दिन मिला था जो मैं ऊपर गई हूँ और फिर मैंने ऊपर जाके छलांग मार दी। ये कौन सा प्रोजेक्ट था भाई? भाई मैं प्रोजेक्ट करने गई ऊपर गई, ऊपर जाके छलांग, ऊपर जाके छलांग मार दी मैंने। ओके ठीक है जी, आगे चलें। ओए बाप रे, कैदी 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 फुल कैदी। ये हम लोगों ने कमर्शियल किया था जिसके बारे में झूठ फैला दिया गया कि एक फिल्म है और ये फिल्म नहीं थी, और फिर बाद में लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है हमारे ऊपर, क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे ये क्या बात हुई, ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है। तो किसने कहा था फिल्म है? तो आधी से ज्यादा आवाम तो कह रही थी कि ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, ये क्या बात हुई, ये तो कॉपी पेस्ट है। हाँ, मतलब किसी चीज में खुश और नहीं। फिर आखिर में मुझे याद है मैंने प्रोड्यूसर को टेक्स्ट किया था कि मेरी बात सुने, अब मुझे एक और मैसेज आया कि ये फिल्म है या नहीं, तो मैं क्लियर कर दूंगी। अच्छा अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी आज सबको पता चल जाएगा। और उसी दिन जो है टीजर्स आ गए थे और सबको पता चल गया था। बहुत अच्छी कैंपेन थी यार, इट वाज रियली नाइस। हां एंड वी मेड The entire thing in one day. Oh, nice. तीनों sequences हमने एक ही दिन में किए थे। Wow. Wonderful यार. बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा shoot हुआ था और बहुत अच्छा मुझे लगता है characterization बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे एक दो को छोड़ के। हाँ. तो वो बहुत अच्छा लगा था। बताइए इस तस्वीर में क्या कर रही हैं आप? यार ये स्टार बड़ा अच्छा है। क्योंकि मैं भी एक स्टार हूँ तो ये स्टार मुझे अच्छा लगा। Exactly. ठीक है जी, well done. अच्छा अब हम खेलने लगे आपके साथ ट्रांसलेट। मजेदार 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 मजेदार। ओके ठीक है, एक गाना काशिफ भाई आपको उर्दू में सुनाएंगे,
वो इतना बुरा सुनाएंगे कि आपका दिल नहीं चाहेगा उसको सुनने, लेकिन आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और गाना है। अच्छा आसान है, ठीक है ना, ठीक है। हेल्प के लिए आपके साथ मौजूद होंगे दो चार लोग, और मैं चाहता हूँ कि हम ये काशी भाई को जल्दी से दे दें, क्योंकि काशी भाई के लिए सरप्राइज हो गया है। ये लें काशी भाई, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है ये। कम ऑन काशी भाई, कम ऑन। रोमन में चले जी, पहला गाना। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। बिल्ली अच्छी खासी जा रही थी, काशी भाई निकालने शुरू किया, रुक गई थी। ये क्या कर रहा है भाई? बिल्ली कह रही है ये क्या कर रहा है भाई? बिल्ली कह रही है ये उर्दू कैसे बोल रहा है? अकेले ना जाना हमें छोड़कर, प्लीज आदि स्टार्ट कराओ ना, अकेले ना जाना प्लीज डोंट। आज मुझे अच्छा प्रॉब्लम मुझे गाने से एक्चुअली वैसे ट्रांसलेट करके बता, वैसे ट्रांसलेट करें। अकेले ना जाना हमें छोड़ के, तुम हां डोंट गो विदाउट मी प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज तो नहीं कहा उसने, तमीजदार। चलो ठीक है, डोंट गो विदाउट मी प्लीज, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, भला की इंग्लिश क्या होगी? विदाउट यू दही वर्ड, भला विदाउट यू वर्ड, वर्ड इससे करवा लो यार, हमें बुलाया ही क्यों है, इसको सामने बिठाया करो, सारे शो इसी के साथ करवा लो, मजा आ जा भला। विदाउट यू बड़ा बिल्लो, मुझे मजा आ रहा। डोंट गो विदाउट मी प्लीज, विदाउट यू बड़ा बिल्लो, व्हाट आई विल डू, बड़ा बिल्लो, बड़ा बिल्लो। आज भी गा सकते हैं इस तरह इसको इंग्लिश में? Without me, what I will do? हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ। Please. Okay. नहीं मुझे नहीं आना। नहीं मुझे नहीं आना। डरने वाली क्या बात? नहीं मुझे नहीं। अगला गाना सुनाए भाई। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे, ये करीम वाले ने गाया है। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, हाउ मे आई टेल यू दैट यू आर माय डेस्टिनेशन। हाँ ठीक है, आगे क्या था? जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। ये क्या क्या हो, व्हाट माय दोहरे पड़े, ओह माय गॉड आई एम सो कंफ्यूज। तुम्हें जिसे ढूंढा मेरे दिल ने, हां वही मासूम सा दिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने, द हार्ट माय, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। द आईज, माय आईज, आईज यार, जिसे ढूंढा है, एक कैमरा प्लीज मेरे पीछे खड़ा करें यार, लगा रहे हैं सामने, दिखा रहे हैं इसको। हाँ अच्छा फिर ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ और है ना, इस प्रोफाइल से बदतमीजी कर रही है, ये प्रोफाइल जो है ना ये डेंजरस है, लीथल है। अच्छा जिसे ढूंढा द मेरी नजरों ने, योर कैट कैट, व्हाट माय आईज वर लुकिंग फॉर वाज जस्ट इनोसेंट हार्ट, an innocent heart, oh masoom sa dil ho. What is your drop of location please? What tumhe meri manzil, wo destination ki baat kar raha hai, pin nahi mang raha wo, drop of location, ghar pe raho. Chalo bhai teesra gana, teesra. Dil dhadke main tumse ye kaise kahun, kehti hai meri नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, दिल धड़के, दिल धड़के, यस हार्ट बीट्स, माय हार्ट बीट, दिल धड़के क्या है, दिल मैं तुमसे कैसे कहूं, ओके माय हार्ट बीट्स फॉर यू, how do I tell you that kehti hai meri nazar, acha my heart beats for you, how do I tell you
माय आईज आर सेइंग थैंक यू. नाइस. यार एक गाना भी नहीं गाया तुमने, ट्रांसलेट तो कर दिया है यार. कि मैं मतलब कॉम्पोजिशंस बनाने आई हूं मैं यार. नहीं तो ये तो कॉम्पोजिशन आप गाओ ना. हार्ट बीट मैंने कहा ना इसको याद बताओ. दिल धड़के वो कर रहा था. माय हार्ट बीट हाउ शुड आई से. मेरी कहती है मेरी नजर. माय आईज. ये हो सकता है, ये हो सकता है. माय आईज से थैंक यू. ओए ओए ओए. वेरी गुड. आगे चलें, आगे चलें. ओए 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 का इंग्लिश क्या होगा? एक सेकंड. ओए 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 का इंग्लिश बताओ. ये इंग्लिश था. ओए 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 का इंग्लिश क्या होता है बताओ ना तुम. हो आपको क्या लगता है? ये ठीक है, पिटबुल डाल दिया हमने बीच में. हाय यार ये हाय और वो. आप गाना ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं. नहीं नहीं वहीं से शुरू से, वहीं से, वहीं से शुरू से, वहीं से शुरू करो. हाय ये अच्छा आपके आए बोल रहे हैं. इज़हार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते. इज़हार भी मुश्किल है. मजा आ रहा था यार. It is difficult to describe it. कुछ कह भी नहीं सकते. Cannot even say. Oh wow. Cannot even say anything. Cannot even say anything. उसके बाद ये. इजहार भी मुश्किल है. कुछ कह भी नहीं सकते. Difficult to tell you. Cannot even say. अच्छा क्या था पूरा, क्या था? इजहार भी मुश्किल है. डिस्क्राइब. हाँ. चुप रह भी नहीं सकते. आई कांट शट अप. आई कैन नॉट शट अप. आई जस्ट कैन नॉट शट अप. आगे आगे. मजबूर है उफ अल्लाह. आई एम सो. कह भी नहीं सकते. मजबूर को क्या कहेंगे? आई एम रेजिस्टेंट. नो नो. रेजिस्टेंट मजबूर हो ना. मजबूर. I have no choice. They are pressurizing me, oh Lord. Oh Lord. वो है ना उसमें. They are pressurizing me, oh Lord. Oh Lord. आगे. They are pressurizing me, oh Lord. यार ये पता नहीं कहाँ जा रहा है ये, खुदा की कसम. ये ऐसा लग रहा है बाथरूम में बैठे. ये शो नहीं लग रहा है. मजबूरी भी है. अरे बस जाने भी है. बस प्लीज रिलैक्स. क्यों हो रहा है? प्लीज ये आंटी सीटियां मारती मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल. चलो आखिरी करो यार. आखिरी आए बस. जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ. जरा चेहरा तो और थोड़ा सा मुस्कुराओ. सुने थी ये धुन. वो रुक गया बेटा, रुक गया. सॉरी क्या हो गया बेटा? मैं चला गया था. अच्छा प्लीज शो मी योर फेस. प्लीज शो मी योर फेस. फेस होता है. फेस. फेस. प्लीज शो मी योर फेस. क्योंकि मैं शो मी योर फेस. प्लीज शो मी योर फेस. प्लीज शो मी योर फेस. And let us smile. And the smelling. You smelling, I smelling. You smell. But the rock is cooking. ये शो नहीं चलेगा. ये शो नहीं नहीं चलेगा. दानिश तैमूर कहते हैं शो ऐसे चलेगा. वो एक और शो है भाई. क्या हुआ? चलाते क्यों नहीं है वो? तीन हजार कहीं और निकल गई है बात. हम चाहते हैं कि बात यहीं रोक जाए. मैं टीवन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बजट बढ़ा के ना इसको भी एक सोफा दे दें. हाँ तो हम तीन हो जाएंगे. थोड़ा बजट नहीं, अच्छा खासा बजट बढ़ा के हम दोनों के मिला के दे दें इनको. नहीं नहीं फिर भी डालने पड़ेंगे थोड़े से. ठीक है, मैं इन लोगों की रोजी पे लात मारने को बिल्कुल तैयार हूं. हमारी रोजी छुट्टी पे गई. क्या बदतमीजी है. वैसे मथीरा के मजे देखो. गर्मी रहती है. छोटी बहन का नाम है रोजी मतीरा. तुम्हें बड़ा पता है उसकी बहन का नाम. उसकी छोटी बहन का नाम क्या है? वो भी है एक्ट्रेस है ना. अच्छा उसको तो चेक करो. ए, ए? तो बैठ.
खवातीन और रात से बात यही रोक देते हैं पर यार थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू ऑन द शो इट वाज अमेजिंग बहुत फैंटास्टिक मुझे लगता है हम ऐसे कम से कम एक घंटा और बात कर सकते हैं लेकिन अब बात रोलिंग से आगे निकल जाएगी अब हम कैमरे पे नहीं रह सकते बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच नो प्रॉब्लम आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे कोई मैसेज है तो इस कैमरे पे फटाफट दे दीजिए वरना मुझे एसएमएस कर दीजिएगा मैं जो मेरे चाहने वालों के लिए यही मैसेज है कि मैं यूजुअली डिसेंट रहती हूँ इन लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो ये निकल आता है मेरे अंदर का मुझे माफ करिएगा मैं वही इंसान हूँ आई स्वेयर बस हाँ मस्ती होती है इन लोगों के साथ बहुत मजा आता है मैं मुझे लग रहा आगे बोलेगी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इनके साथ इस शो पे आई मुझे माफ कर दे प्लीज मैं एक्चुअली बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ यही है जो है यही है मैं बहुत शर्मिंदा कोई प्लीज मुझे कहीं टैग ना करे ये मैं नहीं हूँ ये मेरा मास्क लगाया गया है था ना कुछ लोग कह देते हैं कि मेरा मास्क है मैं नहीं मेरा मास्क है नहीं ये यही है नहीं आपने नहीं अरे मशहूर मीरा जी ने कहा अच्छा बस ठीक है चलो नहीं नहीं उन्होंने मुझे कहा था टाइम हो तो कॉल करना उनको काम था हाँ ये ठीक है आदि भाई आपका कोई मैसेज है तो दे दें सो बोलो पिन लोकेशन आदि भाई मेरा मैसेज ये है कि बस इसी तरह मैसेजेस भी दोगे अब तुम हाँ हाँ ये भी शो भी तुम्हारा जान निकल जाएगी ये ऐसे ऐसे मैसेज जान निकल जाएगी अभी परेशान हुए लोग मैसेज दूंगा आपकी जान निकल जाएगी नहीं करो यार ये नहीं चाहती हो मरना दो मैसेज अच्छा भाई जल्दी करो मेरा आज का मैसेज ये है हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते नाम में कोई ऐसा टैलेंट है हम बस इसलिए यहाँ आते हैं ताकि हंसी खुशी से मुस्कुराए अच्छा टाइम गुजारे और शायद आपकी शक्ल पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाए हाँ। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माजर वरना हमारे साथ खुश रहे जिंदगी छोटी सी है खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आइंदा मत देना और मुझे 30 रुपए प्लीज भिजवा दें मेरी तबीयत ठीक सबा फ्रॉम हॉस्पिटल काशी भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप लोग भी ट्यून इन कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्लीज कोविड वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसको प्लीज लगवाइए जो फ्री में लगा रहे हैं वो पानी नहीं है भाई उसको प्लीज जरूरी समझिए आपने लिए भी अपने चाहने वालों के लिए भी अपने घर वालों के लिए भी अपने तमाम एक गिर्द नवा के लोगों के लिए भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगले वीक जरूर ट्यून इन कीजिएगा काशी भाई क्या सुना रहे आएगा अच्छा बैठे ना पैर सुन गए खड़े भी हो गए सबसे महंगी है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती दुख सुख सहती है पल पल बहती है हमेशा तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती यादें भी है सपने भी है गैरों में कुछ यहाँ अपने भी है वो हो सबसे महंगी है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती जब हम दम मिले सब कुछ मिले करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले वो हो पल पल बहती है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती दोस्ती सलाम अलैकुम जी मैं हूं शहजाद शेख और मैं आ रहा हूं आदि और फैजान के शो पे द मजेदार शो
Do not forget to tune in only on TV One. Mazedar, 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 the Mazedar Show.